नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर के मामला जो है कोर्ट में अभी चक्कर काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालिक रूप से रोक लगा दी थी और मुस्लिम पक्ष को कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी, कल भी हुई थी। हाई कोर्ट ने ये कहा था एएसआई से कि आप बताइए कि आपके सर्वे से स्ट्रक्चर को तो कोई नुकसान नहीं होगा। आज एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने कोर्ट में पेश होकर के एफिडेविट दे करके ये बताया है कि उनके सर्वे से कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। अब इस पर कल सुनवाई है, उम्मीद की जा रही है कल फैसला आ जाएगा। और दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष तो शिकायत लेकर के पहुंचा है, हिंदू पक्ष को ये उम्मीद है कि सर्वे के फेवर में आएगा फैसला। बारह कोई भी उम्मीद कर सकता है ऐसी। सुनिए विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं वो क्या बता रहे हैं। और उन्होंने एक एफिडेविट भी फाइल किया नीचे करो कि जितना भी काम वो प्रपोज कर रहे हैं कैरी आउट करने के लिए वो बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए किया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहाँ करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए। और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित किया। अभी एसआई का सर्वे नहीं होगा कल तक, कल 3:30 बजे इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी क्योंकि आज अंजुमन इंतजामिया के वकील ने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और कल फिर इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी। नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि हम 31 जुलाई तक यहाँ पे कोई खुदाई नहीं करने जा रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे हुई थी। पर आज जो इस समय सारा मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की डिटेल्ड हियरिंग हुई 9:30 से 1 बजे तक, उसके बाद दोबारा 4:30 बजे और एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के मौजूद थे, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि वो स्ट्रक्चर को कोई भी क्षति नहीं पहुँचाएंगे और ये काम बिना क्षति पहुँचाए हुए हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है कैसे? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखा। अभी सुनवाई पर, अभी सर्वे पर रोक है कल 3:30 बजे तक, कल दोबारा सुनवाई होगी उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेंगे। सुना आपने, वो एक पूरी वहाँ के जो भी सुनवाई हुई है और जो एएसआई ने कहा है, जो कोर्ट ने पूछा था और अंजुमन इंतजामिया ने जो कहा था वो डिटेल में बता रहे हैं। अब जो है कल सुनवाई होगी और कल ही फैसला भी आ सकता है। देखने वाली बात यह है कि क्या फैसला आता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।